और काफी बंदे कह रहे थे कि भाई आपको ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो कब आएगी। तो भाई देखो, मैं ना नेक्स्ट पॉइंट है लीगैलिटीज, कि ये लीगल है कि नहीं है, कि आपको इनमें से क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट होगा इनमें से, इस पे बात करेंगे। अगर आपको अंधा पैसा कमाना है, अगर आपको अंधा पैसा कमाना है ना, कि बहुत जल्दी कमाना है। एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। माय नेम इज गौरव एंड यू आर वाचिंग ट्रेडर सब। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर न्यू देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, ताकि हम इस चैनल को इंडिया का बेस्ट बाइनरी का चैनल बना पाए। और द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज, आपने ऐसा टाइटल ना पढ़ी लिया होगा कि बाइनरी ऑप्शंस वर्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, क्या आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आपने काफी वीडियोस देखी होंगी इसके बारे में, पर लेकिन ट्रस्ट मी, ये थोड़ी ज्यादा डीप है और आपको मैं इसमें फैक्चुअल आंसर दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जो सबसे पहला डिफरेंस है बाइनरी ऑप्शंस और फ्यूचर ऑप्शंस के बीच में, वो है जो बाइनरी ऑप्शंस होते हैं ना, देखो दो मार्केट समझो पहले, एक होता है फॉरेक्स मार्केट, एक होता है स्टॉक मार्केट, ये दो मार्केट है। तो जो बाइनरी ऑप्शंस है ना, वो फॉरेक्स मार्केट के डेरिवेटिव्स है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, घुसना मत, ये समझो कि पार्ट होता है। जो फॉरेक्स मार्केट है उसका एक पार्ट होता है बाइनरी ऑप्शंस, जो स्टॉक मार्केट होता है उसका एक पार्ट होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। सिंपल, आई होप तुम समझ गए होंगे, इतना ही डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या होता है इसमें, डिफरेंस नेक्स्ट ये होता है कि बाइनरी ऑप्शंस को आखिर बाइनरी ऑप्शंस ही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक छोटी सी जो है बैकएंड में स्टोरी है। स्टोरी ये है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, कंप्यूटर इंजीनियर्स है, वो ही इस बात को समझ पाएंगे। जो बाइनरी ऑप्शंस होता है ना, हमारे कंप्यूटर की या फिर सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में एक भाषा होती है, मशीन लैंग्वेज कहते हैं या फिर बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें कि केवल जीरो और वन होता है। अगर ये कंप्यूटर चल रहा है, ये मेरा टैबलेट चल रहा है, फोन कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तुम कुछ सुन रहे हो अपने फोन पे, तो उसको ये नहीं पता कि वीडियो चल रही है या फिर ऑडियो चल रही है, फोन को कुछ नहीं पता, उसको केवल जीरो और वन में सुनाई देता है, वो केवल जीरो और वन समझता है, उसी को अलग अलग तरीके की प्रोग्रामिंग प्रोग्राम करके समझाना पड़ता है कंप्यूटर को। तो इन शॉर्ट, बाइनरी का मतलब होता है जीरो या फिर वन, मतलब यस या फिर नो। ठीक है, यस या फिर नो, सेम, इसीलिए इसका नाम पड़ा है बाइनरी ऑप्शंस, क्योंकि यहाँ पे आपको या तो राइट होना है या तो रॉन्ग होना है, या तो आप सही निकलोगे या तो आप गलत निकलोगे, भले एक पॉइंट से हो, या फिर आपको रिफंड हो जाएगा अगर एकदम ब्रेक इवन पे हो। ये सिंपल सा था, इसको बाइनरी ऑप्शन क्यों कहते हैं, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगला आता है जो हमारे फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। बाइनरी ऑप्शंस में क्या था, या तो आप सही हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस चल रहा है 100 रुपए का, ठीक है, अब आपने जो है अप साइड के लिए बिड लगा दी, तो अगर प्राइस 101 रुपए भी हुआ ना, तो भी आप जीत जाओगे। ठीक है, और अगर 99 हो गया तो आप हार जाओगे, सिंपल, जीतोगे या हारोगे, और एकदम 100 ही रहा तो वापिस मिल जाएगा। पर लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता, इसमें जितने पॉइंट्स बढ़ेंगे उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, बाइनरी ऑप्शंस में क्या होता है, उसमें डिसाइडेड है, जैसे कि मैंने 100 पे कुछ खरीदा, मैंने कॉल की, उसमें ट्रेड लगा दी, तो अगर प्राइस 100 से 101 भी गया ना, तो अगर मुझे 90% का रिटर्न मिल रहा है, मान लो मैंने 100 के लेवल पे, ठीक है, 100 का लेवल चल रहा है, मैंने 100 रुपए की ट्रेड लगा दी, अगर 101 भी गया ना पॉइंट, सिर्फ 101 भी, तो मैं एक पॉइंट से भी जीतूंगा, तो 80% वापस मिलेंगे, यानी कि 80 रुपए का प्रॉफिट मुझे वापस मिलेगा। एक पॉइंट से मैं हार गया, 99 हो गया, तो मुझे पूरा ही लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं हार गया, या तो जीतेंगे या तो हारेंगे, और अगर एकदम 100 का 100 था तो रिफंड हो जाएगा। पर लेकिन फ्यूचर ऑप्शंस में क्या होता है, अगर 101 गया ना, तो आपको 1 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, 102 गया तो आपको 2 के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आपने 100 के लेवल पे आपने शेयर खरीदा, ठीक है, प्राइस 100 चल रहा था, आपने 100 रुपए ही डाले, तो अगर प्राइस 101 हुआ ना, तो आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 102 हुआ तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जब वो 180 जाएगा तब आपको 80 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, 180 जाने पे 80% का। जबकि बाइनरी ऑप्शंस में अगर आपका पॉइंट एक भी बड़ा था ना, आपको तो ही 80% मिल गया था, क्योंकि यहाँ पे या तो आपको सही होना या तो गलत हो रहा है। पर फ्यूचर ऑप्शंस में क्या है, आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है, आप जितना हारोगे पैसे उतने एक एक करके माइनस होंगे, जितना बढ़ोगे एक एक करके प्लस होंगे धीरे धीरे। सिंपल डिफरेंस ये था। बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, इन्वेस्टमेंट कितने से होती है, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसा तो बहुत मैटर करता है भाई। बाइनरी ऑप्शंस में $10 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, आप $10 डालेंगे अकाउंट में, मिनिमम $10 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बाइनरी ऑप्शंस करना है, और उसके बाद भी आप $1 पर ट्रेड लगा सकते हो, यानी कि 80 रुपए पर ट्रेड आप लगा सकते हो, इतने कम से आप स्टार्ट कर सकते हो। वहीं अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, तो मिनिमम $100 होता है जिसको आपको लगाना पड़ेगा खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी का लॉट आपका 100 पे चल रहा है ना, तो आप निफ्टी का आप जो है एक शेयर नहीं खरीद सकते। ठीक है, इसमें ना लॉट्स आते हैं, निफ्टी का लॉट है 50 का, बैंक निफ्टी का है 25 का, कुछ टाइम बाद 15 का हो जाएगा। तो सीन ये है कि आपको इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 है। $100 मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ऑन एन एवरेज जो प्राइस चलता है निफ्टी के लॉट का या बैंक निफ्टी के लॉट का, वो 7 से 8 हजार होता है। ठीक है,
तो अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, अगर आप एक लॉट भी लेते हो उसके बिना तो कर ही नहीं सकते, एक तो लेना पड़ेगा। तो एक लॉट में 25 से 50 शेयर होते हैं, उसकी कीमत 7 से 8,000 होती है, उससे कम में आप ले ही नहीं सकते। तो इसलिए बाइनरी ऑप्शंस में क्या है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कम है, $10 डाल के $1 से ट्रेड हो सकता है, और आपका फ्यूचर ऑप्शंस में आपको मिनिमम 8,000 तक तो चाहिए एक लॉट लेने के लिए। ये है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, जो बाइनरी ऑप्शंस होते हैं ना उसमें नो ऑप्शन डीके, ऑप्शन डीके नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि अभी प्राइस 100 रुपए चल रहा है किसी चीज का, ठीक है। अब आपने ट्रेड लगा दी 100 रुपए की यहाँ पे बाइनरी ऑप्शंस में, और आपने लगा दी 2 घंटे बाद की, ठीक है, 2 घंटे बाद की ट्रेड लगा दी। तो अब जब 2 घंटे बाद जो भी चीज होगी ऊपर गया है नीचे गया, या तो आप हारोगे तब जीतोगे। तो बाइनरी ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन डीके नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 घंटे बाद आपका प्राइस अगर 101 हो गया तो वही 80% मिलेगा, 99 हो गया तो वही पैसा जीरो हो जाएगा, और अगर एकदम पॉइंट टू पॉइंट भी रहा, 100 पे 100 पे ही रहा तो रिफंड हो जाएगा 2 घंटे बाद भी, ठीक है। पर फ्यूचर ऑप्शंस में क्या होता है, मान लो आपने 100 रुपए में खरीदा और आपने ट्रेड लगा दी अब की, अगर 2 घंटे, जैसे कि अभी मार्केट यहीं पे है 100 पे ही, अगर 2 घंटे बाद भी आपका मार्केट 100 पे ही रहा ना, तो आपको लॉस दिखाई देगा 1-2 रुपए का, थोड़ा छोटा छोटा लॉस। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, खासकर ऑप्शंस, फ्यूचर्स तो बात की बात है, वो तो और पैसा मांगता है। फ्यूचर्स में तो आपको और बड़े पैसे चाहिए, 1.5 लाख 2 लाख तो चाहिए कम से कम, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शंस क्या होता है, उसको आप एक बर्फ समझो, क्या करते हैं, बर्फ को हाथ में लेंगे ऐसे पकड़ लेंगे तो क्या होता है, बर्फ पिघलती है, टाइम के साथ साथ पिघलती है। सेम होता है आपके ऑप्शंस के साथ स्टॉक मार्केट में, अगर आपने 100 के लेवल पर ट्रेड लगाई और 2 घंटे तक मार्केट 100 पे ही था तो आपको फिर भी लॉस दिखेगा, जबकि आप एकदम लेवल पे हो, और 2 घंटे बाद अगर आप 1 या 2 पॉइंट ऊपर भी हो ना, फिर भी आपको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शन डीके हो रहा है, जो आपने पैसा डाला है वो धीरे धीरे गलता है, वो ऑलरेडी अपनी वैल्यू कम कर रहा होता है, ये इसमें प्रॉब्लम है, मतलब ये होता है। तो ऑप्शंस में पैसा कमाने के लिए 1-2 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता, आपको सडन मूवमेंट चाहिए कि मार्केट 10-15 पॉइंट ऊपर चला जाए, क्योंकि तभी तो अगर डीके भी हो रहा है तो 1-2 पॉइंट को कवर हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शंस में होता है। पर बाइनरी ऑप्शंस में आप एक दिन की भी ट्रेड लगाओ ना, अगर 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे भी है ना, तो भी प्रॉफिट लॉस या फिर रिफंड होता है, उसमें पैसा डीके नहीं होता, खत्म नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है आपके ऑप्शंस में और बाइनरी ऑप्शंस में, ठीक है। अब देखते हैं अच्छा किस चीज के लिए, इनके फायदे के लिए। जो बाइनरी ऑप्शंस होते हैं वो एक स्मॉल बैलेंस अकाउंट के लिए सही होता है, जैसे कि $100 का अकाउंट हो गया, $500 का अकाउंट हो गया, उसके लिए बहुत सही होता है, क्योंकि आपकी रिस्क पर ट्रेड कम होता है, आप $1 भी लगा सकते हो, आप $10 भी लगा सकते हो, ये होता है। तो स्मॉल बैलेंस जो है अच्छा ग्रो हो सकता है, अगर आपने $100 डाले और $10 उस पर बना भी लिए एक दिन में, तो आपने 10% कमाया भाई, है ना। वहीं अगर हम ऑप्शंस की बात करें ना, ऑप्शंस में क्या होता है, बड़े बैलेंस के लिए अच्छा होता है। यहाँ पे आप $100 डाल के $10 बना रहे हो फ्यूचर और ऑप्शंस में, खासकर ऑप्शंस में अगर आप 1 लाख रुपए डालते हो ना, तो शायद आप महीने में 20,000 रुपए कमाओगे, महीने का 20। यहाँ पे आप 2 दिन में 20% कमा लोगे बाइनरी ऑप्शंस में। पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, खासकर मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ज्यादातर फ्यूचर तो बड़े पैसे की बात हो गई। ऑप्शंस में क्या होता है कि आपको थोड़ा बड़ा पैसा चाहिए, छोटे पैसे से आप क्या करोगे, $100 में तो आपको शायद एक लॉट मिलेगा जो कि 8,000 का है, उस पर शायद ही आप 500-600 रुपए कमाओगे एक दिन में, वो भी सही होंगे। तो बार बार ऑप्शन तो नहीं मिलेगा आपको, इसमें तो क्या है, $1 हार गया तो MTG ले लिया बाइनरी ऑप्शन में, वो आप प्रॉफिट में आ गए, पर इसमें ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास सीन ये है कि बाइनरी ऑप्शन में आपके पास $100 है, तो पॉसिबल बहुत ज्यादा है कि आप $200-$300 भी बना लो, डबल ट्रिपल कर लो। पर नॉर्मल ऑप्शंस में, स्टॉक मार्केट ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। आप महीने के एंड अगर आपके पास 1 लाख रुपए भी है ना, तो शायद ही आप 20,000 रुपए मंथली कमा पाएंगे उससे, 20%, वो भी बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि इतना नहीं आता उसमें, ये रियलिटी बात है। तो छोटे बैलेंस के लिए बाइनरी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है, बाइनरी ऑप्शंस को आप केवल प्राइस एक्शन पे भी ट्रेड कर सकते हो, और प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड होता है, और कोई भी बवासीर नहीं होता, केवल प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। तो आप मात्र प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस पे आप जो है बाइनरी ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा काम करेगा। पर ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या क्या देखना है, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट, ग्लोबल मार्केट, PCR रेशियो, उस ऑप्शन का जो है फ्यूचर देखना है आपको, इतनी सारी चीजें देखनी होती है, ठीक है। एक और चीज है, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप प्राइस एक्शन देख सकते हो, पर फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा, उसमें आपको सडन मूवमेंट चाहिए। मैं स्टॉक मार्केट में जब करता हूं तो मेरे मोस्टली प्रॉफिट्स की होते हैं, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग कर रहा होता हूं, तो प्राइस एक्शन वहां पे काम आता है, नहीं तो मोस्टली सिर्फ प्राइस एक्शन स्टॉक मार्केट में काम नहीं आएगा, आपको बाकी चीजें भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका विड्रॉल्स, कि विड्रॉल्स का क्या सीन है।
देखो सिंपल सा है, बाइनरी ऑप्शंस में हम कोटेक्स यूज करते हैं, आप जो भी यूज करते होंगे। आज आपने कमाया 100 के 300 बनाए, आप आज ही विड्रॉल कर सकते हो, आज ही अकाउंट में आ जाएंगे। पर ऑन दी अदर हैंड स्टॉक मार्केट में चलता है टी प्लस वन का साइकिल। टी प्लस वन मतलब मान लो मैंने आज 1,00,000 रुपए से ऑप्शन में ट्रेड किया और मैंने 9-10,000 रुपए कमाए, 10,000 रुपए कमाए, तो कमाते ही वो मेरे अकाउंट में नहीं आते, वो आएंगे मेरे अकाउंट में कल सुबह मेरे अकाउंट में आएंगे, फिर कल मैं विड्रॉल डालूंगा, फिर परसों मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे अगर मुझे अकाउंट में चाहिए तो तुरंत नहीं होता, यहाँ पे टी प्लस वन का साइकिल चलता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, वो है चार्जेस, इसमें चार्जेस कितने होते हैं। ठीक है, कोटेक्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक एसेट है जिसमें आपको 90% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर आप 100 रुपए डालोगे तो आपको इन रिटर्न 90 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो अब मान लेते हैं दो लोग हैं। ठीक है, ये एक लेवल चल रहा है मार्केट का यहाँ पे, और दो लोग हैं मेरे पास, एक ने बोला भाई मार्केट ऊपर जाएगा, एक ने बोला भाई मार्केट नीचे जाएगा, दोनों ने 100 रुपए डाल दिए, 100 इस बंदे के 100 इस बंदे के। अब यहाँ पे सीन ये है कि जिस बंदे ने बोला मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने वाले बोलने वाले जीत गया, तो अब क्या होगा, इन दोनों के 100 रुपए लगे थे, तो अब क्योंकि 90% रिटर्न मिल रहा था तो जो दूसरा बंदा जो हारा है ना, तो जो उसका 90% है वो मिल जाएगा जीतने वाले को, और जो बीच का 10 रुपए है वो कोटेक्स को मिल जाएगा एज अ कमीशन, सिंपल कमीशन। आई होप आपको समझ में आया हो। दो लोग सेम ट्रेड लगा रहे हैं, ये भी 100 रुपए, ये भी 100 रुपए। ठीक है, अगर ये जीता तो इसके जो है 90% पैसे इसको मिल जाएंगे, तो 10 रुपए बचे हुए कोटेक्स को मिलेंगे, इतना सिंपल है। ठीक है, दूसरी बात करें, केवल इतना ही कोटेक्स को मिलता है या फिर किसी भी बाइनरी ऑप्शंस को। ठीक है, और जो दूसरा है जो है आपका स्टॉक मार्केट, उसमें चार्जेस की तो भाई लाइन लगी हुई है। एसटीटी होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस होता है, आपका एक्सचेंज फीस होता है, जीएसटी होता है, ब्रोकरेज होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे साथ कितनी बार ऐसा हुआ है, 1,50,000 रुपए कमाए, 30,000 ब्रोकरेज दे दी। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें यार, जो आपका मार्केट होता है स्टॉक मार्केट, काफी चीजें हैं। मैं तो कहता हूँ यार, भले तुम 2% 3% ले लो हमारे हर ट्रेड में, पर 1% लो। ये 36 मतलब इतनी लाइनें दिखा के ना दिमाग खराब होता है। एक चार्ज लो और खत्म करो बात, सिंपल चार्ज लगाओ, भले ज्यादा लगाओ पर एक ही चार्ज लगाओ, ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लीगैलिटीज, कि ये लीगल है कि नहीं है। ठीक है, देखो जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो का आज तक बिल नहीं आया, एक प्रॉपर बिल होता है ना, जैसे इनकम टैक्स है एकदम प्रॉपर है मेंशन कि क्या क्या होना है, प्रॉपर बिल नहीं आया इसका। इसमें केवल टैक्स इश्यू है कि भाई टैक्सेबल है, तो क्योंकि टैक्सेबल हो गया तो लोग खुले में क्रिप्टो कर सकते हैं। जब क्रिप्टो नया आया था तो एक्सेप्ट करने ने मना कर दिया था भाई, बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी मना है क्रिप्टो। तो बाइनरी ऑप्शंस की भी सेम हालात हैं, बस इसको लेकर टैक्स नहीं आया। तो जितना मुझे लगता है, जैसे कि क्रिप्टो को शुरू में मना किया, बाद में भले ही बिल नहीं आया पर टैक्स आ गया, तो ये भी हो सकता है कि बाइनरी ऑप्शंस में भले ही बिल ना आए पर टैक्स आ जाएगा बाद में, कितना इतना टैक्स भरना है। फिलहाल ऐसा है कि बिल्कुल एकदम ना व्हाइट है ना ब्लैक, एकदम ग्रे चल रहा है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, जो कर रहा है वो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही अभी तक, तो नहीं आई, बंदे 5-5 साल से कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टॉक मार्केट क्या, वो तो सरकार देख ही रही है, वो तो पूरा इलीगल है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट बोलने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको मेरे सिग्नल्स कॉपी करने हैं, अगर आपको मेरे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स चाहिए, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके अकाउंट बना के उसमें डिपॉजिट करके मुझे मैसेज करना। अगर आपको मुझसे सीखना है पर्सनली प्राइस एक्शन बाइनरी का, तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको जो है आगे प्रोसेस बताऊंगा कैसे सीखना है। ठीक है, फीस है उसकी 2,500 रुपीज। बाकी आगे बढ़ते हैं, लास्ट चीज है कि आपको इनमें से क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट होगा इनमें से, इस पे बात करेंगे। देखो सिंपल सा है, अगर आपको आपका है अकाउंट स्मॉल, $100, $200, $500, तो आपके लिए जो है बाइनरी ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे डेली का 5% भी निकलेगा तो बहुत निकल जाएगा, है ना। $500 पे अगर तुम डेली का फॉर एग्जाम्पल 10% कमाते, $50, तो लगभग 8x30 लगभग 3,000 रुपए के आसपास वो होता है ना। वहीं जो है आप $500 का क्या होता है, अगर 30,000 रुपए आप इंडियन स्टॉक मार्केट में डालोगे तो बहुत कम चांस है कि इतना कमाओगे, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं है, उतना मूवमेंट सडन मूवमेंट नहीं आता, और जब वो मूवमेंट आता है तब तक जो है बहुत लेट हो चुकी होती है, क्योंकि आपको तो तभी पता चलेगा जब वो खत्म हो जाएगा। मोस्टली इंडियन मार्केट्स में क्या होता है, हम घुसते तब है जब मार्केट टॉप में होता है, फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है, हम खरीदते तब है जब वो बिकना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए भी काफी प्रैक्टिस लगती है। तो स्मॉल अकाउंट के लिए बाइनरी ठीक है, क्योंकि आप कुछ तो कमाओगे। अगर अकाउंट बिग है, फॉर एग्जांपल एक बंदा 1 करोड़ से ट्रेड कर रहा है, तो अगर वो मंथली 15% भी निकालता है ना, खत्म से खत्म हालत में 15%, तो 15 लाख महीना कमा रहा है वो, तो 15 लाख महीना इज अ वेरी बिग अमाउंट। तो बड़े पैसे के लिए स्टॉक मार्केट है, क्योंकि 1 करोड़ पे 15 लाख या 20% कमा ले तो 20 लाख रुपए महीना ज्यादा होता है। तो
बूंद बूंद से बनता है स्टॉक मार्केट, वहीं नेक्स्ट जो है क्या, अगर आपको अंधा पैसा कमाना है, अगर आपको अंधा पैसा कमाना है ना कि बहुत जल्दी कमाना है, तो बाइनरी ऑप्शंस इज द पाथ, वो आपको बहुत जल्दी पैसा देगा। ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने फील किया है, ये आपको बहुत जल्दी पैसा देगा, मतलब इतनी जल्दी देगा कि आपको सपना लगेगा आपको इतनी जल्दी पैसा देगा। पर लेकिन सीन ये है कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है भाई, रिस्क बहुत ज्यादा है मीन्स इसमें, क्योंकि या तो आप जीतोगे या तो आप हारोगे, तो यहाँ पे पैसा जीरो होने का चांस रहता है, क्योंकि मार्केट 24 घंटे चलता है तो खुजली भी बहुत रहती है, बार बार डिपॉजिट करो जीरो करते जाओ। पर लेकिन अगर आपको अंधा पैसा चाहिए तो यहां से मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा बनता है, ये यहाँ पे डिफरेंस है। नेक्स्ट, अगर आपको स्लो एंड स्टी ग्रोथ चाहिए, एकदम आप सिंपल हो, जॉब वॉब करते हो, ज्यादा नहीं चाहिए, तो बड़े कैपिटल से ट्रेड करो, 30-40 लाख से ट्रेड किया, मंथली जो है 4-3 लाख भी कमाया तो आपके लिए बहुत है। तो मैंने इसीलिए बाइनरी ऑप्शन चूज किया था क्योंकि मुझे चाहिए था थोड़ा जल्दी, है ना, क्योंकि मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट ओवर हो गया था, मेरे पे इतना समय बिल्कुल नहीं था, 3 साल में स्टॉक मार्केट सीखूं, लॉस करूं, फिर उससे कमाने के लिए मैं 2-3 लाख का जुगाड़ करूं और 2-3 लाख पे भी महीने का 30-40 कमाऊं, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर कैपिटल 5-10 लाख होगा, कहीं किस्मत बीच में फूट गई, मार्केट क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो सारा पैसा गवाओ, बहुत चीजें थी। स्टॉक मार्केट इसलिए तब है जब पैसा आपके पास काफी हो, ठीक ठाक लगाने के लिए हो, कम पैसा है तो बाइनरी ऑप्शन इज द बेस्ट, सिंपल। आई होप आपको जो है डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट करना वीडियो के नीचे, आपको मैं आंसर दे दूंगा। बाकी वही है, मेरे फ्री ग्रुप में आने के लिए आपको पता है क्या करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट बना के मैसेज करना, पेड में आने के लिए पर्सनली मैसेज करना, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और काफी बंदे कह रहे थे कि भाई आपको ट्रेडिंग जर्नी की वीडियो कब आएगी, तो भाई देखो मैं ना वीडियो बना रहा था, पर सीन ये है कि अभी ना मैं इस सेटअप में बैठा हूँ और मेरा घर लगभग तैयार होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ जब मेरा सेटअप पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए ना, मैं तब वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी मैं इस सेटअप पे वीडियो बनाऊंगा, ये भी काफी अच्छा है, पर इसमें वीडियो बनाऊंगा जो जो चीजें मैं बताऊंगा तो लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो सोचेंगे इसने इतना बोल तो दिया पर देख के लग तो नहीं रहा, तो इसलिए जब सेटअप चेंज होगा तब बताऊंगा तो लगेगा, इसलिए आप वीडियो तब आएगी, ठीक है, ये था रीजन, बना देता मेरे को कोई दिक्कत है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।